दोस्तों क्या आपको पता है कुचिकामी मंगासिस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं कुचिकामी के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुचिकामी के बारे में सब कुछ जान पाए, ये कैसे बना और इंडिया में ये क्यों बैन हुआ। कुचिकामी एक जापानीज मंगा सीरीज है जो कि ओसामु एकोमोटो के द्वारा लिखा गया था। इसमें एक मिडिल एज कॉप भी होता है जिसका नाम केंकेची ड्यूट्सु होता है और इसमें हमें नॉर्मली टोक्यो के डाउनसाइड पार्ट का एक पुलिस स्टेशन भी देखने को मिलता है। इसके स्टोरी में नॉर्मली एक पुलिस स्टेशन का एडवेंचर और मिस एडवेंचर को ही फोकस किया जाता है। इंग्लिश में कुचिकामी का ऑफिशियल टाइटल कुचिकामी टोक्यो बीट्स कॉप है। इसका मैंगा सीरीज में टोटल 200 वॉल्यूम्स हैं जिसके अंदर 1960 चैप्टर्स भी आते हैं। इसी वजह से यह मैंगा हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉल्यूम वाला मैंगा सीरीज है। दोस्तों यहाँ पर यह मैंगा सीरीज को बेस करके कुचिकामी एनिमे को बनाया गया था जो कि गालो स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था और गालो स्टूडियो वही स्टूडियो है जिसने योगी जैसे ऑसम एनिमे को बनाया है। ये एनिमे सीरीज को फुजी टीवी में ब्रॉडकास्ट किया गया था। बाद में एपिसोड खत्म होने के बाद 2004 में इसको स्टॉप करवा दिया गया था और 2006 में इसका हिंदी डब वर्जन हंगामा टीवी में एयर किया जा रहा था। इसके अलावा देखिए तो इसका 3 थ्रेटिकल एनिमेटेड मूवी आया था, फिर 2 लाइव एक्शन मूवी आया था और एक लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज भी आया था। बीच बीच में कई जगह पर इसका एडवर्टाइजेशन भी किया गया था। अगर 2014 के हिसाब से देखें तो कुचिकामी का सीरीज लगभग 175 मिलियन कॉपी से ज्यादा बिका था और इसकी वजह से हिस्ट्री में कुचिकामी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मंगा सीरीज बन गया था। कुचिकामी मंगा सीरीज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि इसमें एक सिंगल मंगा सीरीज के लिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स को पब्लिश किया गया था। अगर मैं इसका स्टोरी का देखे तो इसमें हमें एक स्टेशन का एडवेंचर और मिस एडवेंचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमें कई सारे कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि टोक्यो के कार्सुका वार्ड में कामेरी पार्क के सामने लोकेटेड होता है। ये सभी कैरेक्टर में से रूट्सु ही मेन प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर होता है और इसके साथ नागाकावा और रेइको इसके पुलिस साथी होते हैं और इसका बॉस भी होता है जिसका नाम बुचो होता है। इन सभी का अपीयरेंस ज्यादा करके होते ही रहता है। अगर हम कांकेची रूट्सो का देखें तो ये 36 साल का एक इंसान होता है जो कि दिखता नॉर्मल है लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। भले ही रूट्सो को एक पुलिस मैन का जॉब के लिए सबसे अपॉइंट किया गया था और इसका काम का डेडिकेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था लेकिन इसका स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करता है। सभी पुलिस का यही कोशिश रहता है कि वो किसी भी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचे लेकिन ये पुलिस मैन का कुछ अलग ही बात होता है जिसका स्ट्रैटेजी कभी भी काम नहीं आता है और हमेशा कुछ ना कुछ सिचुएशन भी सामने आ जाता है और वो सिचुएशन की वजह से हमें कॉमेडी भी देखने को मिल जाता है। रूट्सो एक लालची पुलिस मैन होता है क्योंकि उसका सैलरी थोड़ा कम होता है और यही चीज वो हमेशा बताते रहता है। तो दोस्तों ये सब कारण की वजह से रूट्सो कुछ इन्वेंशन या तो बिजनेस के जरिए जल्दी जल्दी पैसा कमाने का एक प्लान बनाता है। तभी रूट्सो नागाकावा को बुलाता है क्योंकि उसको जो जो चाहिए वो सब मिल सके। यहाँ पर दोस्तों नागाकावा भी कुचिकामी का एक पुलिस साथी होता है लेकिन फाइनली रूट्सो का प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है और वो सब खो देता है। इसके अलावा उसके प्लान की वजह से जितना भी डैमेज हुआ था उसका भी भरपाई रूट्सो को करना पड़ा था और ये चीज एनिमे में इतना कॉमेडी लाता है कि आप हंसते हंसते रो देंगे। ओवरऑल इसका स्टोरी का देखें तो रूट्सो होता अच्छा है लेकिन इसके काम ऐसे होते हैं कि अगर आप रो भी रहे होंगे तो आप हंस देंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा और कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि नागाकावा जिसके पास बहुत ही पैसा होता है, तो मारिया एक ट्रांसजेंडर होती है लेकिन ये सभी कैरेक्टर्स में से एक चीज कॉमन होता है, अच्छा स्किल पुलिस बनने का कमी जो कि दोस्तों कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर हम इसका एनिमे सीरीज का देखें तो इसको पूरी तरीके से मंगा से ही बेस करके बनाया गया है जो कि 16 जून 1996 से लेके 19 दिसंबर 2004 तक जापान की फुजी टीवी में चलाया गया था। इसके साथ ही साथ इसके 2 मूवी भी रिलीज किए गए थे जिसका नाम कुचिकामी द मूवी और कुचिकामी द मूवी 2 था। अगर हम मंगा सीरीज का देखें तो कुचिकामी मंगा सीरीज को वीकली शोनन जंप मैगजीन में लगातार 40 साल तक पब्लिश किया गया था यानी सितंबर 1976 से लेके सितंबर 2016 तक पब्लिश किया गया था। इसी के बीच में हर एक हफ्ते नए नए चैप्टर्स आता था वो भी बिना किसी रुकावट के। और दोस्तों कुचिकामी का मंगा का नाम बहुत ही बड़ा है जो कि दोस्तों आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सबके अलावा कुचिकामी का एक लाइव एक्शन मूवी भी आया था जो कि दोस्तों 1977 में रिलीज किया गया था और ये मूवी को काजू हिगे द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इसके बाद इसका एक लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज भी आया था
जिसमें काटोरी सिंगो को रिट्सु के हिसाब से लाया गया था, जो कि दोस्तों 1 अगस्त 2009 में एयर होना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद कोची कामे का एक सेकंड लाइव एक्शन मूवी भी आया था जिसका नाम कोची कामे द मूवी सेव द ब्रिज था और ये 6 अगस्त 2011 में रिलीज हुआ था। अगर हम हिंदी डब वर्जन का देखें तो ये डिज्नी एक्सडी, हंगामा और एनिमेक्स चैनल पे आता था, लेकिन दोस्तों बाद में कुछ सेंसरशिप वायलेंस की वजह से ये एनिमे सीरीज को पूरी तरीके से इंडिया से बैन कर दिया गया था। ओवरऑल कोची कामे को देखें तो ये बहुत ही कॉमेडी रहा है। तो दोस्तों यही था कोची कामे के ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।